हम सलमान खुर्शीद को समझें कि सलमान खुर्शीद साहब जिस वक्त भारत के अंदर समझौता एक्सप्रेस में बम फटे और काफी लोग मारे गए, और उसके बाद उसमें एक पाकिस्तानी पकड़ा गया, उस पाकिस्तानी को आपने छोड़ दिया, और उसके लिए आपने एक गरीब, बहुत ही जिसे कहना चाहिए जिसके तन पे तो कपड़े भी नहीं थे, असीमा नंद को पकड़ के डाल दिया कि इसने बम रखे थे। जो आदमी कलकत्ता में रहता है, इसे इसे क्या कहते हैं सलमान खुर्शीद, ये बताएं, इसे बताएं सलमान खुर्शीद कि 26/11 क्या था। और 26/11 के बाद फिर एक आदमी ने किताब लिखी उर्दू में, उर्दू जर्नलिस्ट था वो, महेश भट्ट उसमें शामिल थे, दिग्विजय उसमें शामिल थे, कृपा शंकर उसमें शामिल थे, और महमूद मदनी उसमें शामिल थे। तो आप हिंदू की परिभाषा और हिंदू की डेफिनेशन और हिंदुत्व की डेफिनेशन से ज्यादा ये बताएं कि आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं। आप इस्लाम की बताएं कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। इस्लाम मोहम्मद साहब हैं तो फिर अली की गर्दन काटने वाला कौन था, फातिमा की हत्या करने वाला कौन था, शाम की गलियों में प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान की औरतों की बेरुदगी करके उनको बेपर्दा करके नेजों पे उनके कत्ले चलाने वाला कौन था, वो कौन सा इस्लाम था, वो कौन सा मुसलमान था, ये बताएं। अगर ये वो बता पाएंगे तब वो हिंदुत्व को समझेंगे। हिंदुत्व को गाली देना इसलिए आसान है, हिंदुत्व की परिभाषा डेफिनेशन बताना इस मुल्क में इसलिए आसान है कि हमारे यहाँ लोग रिएक्ट नहीं करते, और हम से उम्मीद करते हैं कि जैसे मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून डेनमार्क में किसी ने बनाया भी बना दिया, लेकिन हिंदुस्तान में आग लगाने का क्या मतलब है। क्या आप हिंदुस्तान के उस हिंदू से जिसकी नसों के अंदर, जिसके खून के अंदर किसी को कत्ल करने मारने की कहीं इजाजत नहीं दी गई है, कहीं नहीं दी गई है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मुसलमान की तरह बिहेव करने लगे, आप उसे फोर्स कर रहे हैं, रोज गाली देते हैं, रोज कोई कोई भगवान राम को गाली देता है, कोई माँ को गाली देता है, कोई सीता के बारे में अशब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर हिंदू और सनातनी उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो जा नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं ने अब तक कृष्ण का वही रूप देखा है कि वो बांसुरी बजाते थे, हिंदुओं ने भगवान राम का वही रूप देखा है कि एक माँ के कहने से संन्यास ले लिया चले गए, लेकिन हिंदुओं ने वो रूप नहीं देखा है कि वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब गए, जब उनको संन्यास हुआ और जब घर से जा रहे थे तो उस रास्ते में हजारों राजाओं की के महल थे, वो किसी से भी मदद ले सकते थे, लेकिन वो जब गए तो धनुष बाण लेके गए। ऐसे मुसलमान लीडरों को जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर है, वो कहीं भी दुनिया में है, हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू के तहम्मुल का कोई इम्तहान न ले। ये ध्यान रखें कि जब तहम्मुल टूटेगा तो महाभारत होगा, तहम्मुल टूटेगा तो भगवान राम और उनकी पत्नी को लेने के लिए पूरी लंका सोने की जल जाएगी, कोई मानने वाला नहीं होगा। इसलिए हिंदुओं के अंदर जो जो उनका उनका जो एक ड्राइव है, जो उनका जिसे कह सकते हैं इंस्पायरेशन है, वो आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बात करते हैं, वो आज भी भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन भारत का बहुसंख्यक मेजोरिटी अक्सरियत में रहने वाला हिंदू हिंसक ना हो, वायलेंट ना हो, ये हिंदुस्तान की माइनॉरिटी की जिम्मेदारी है। अगर वो होगा तो फिर आप महफूज नहीं होंगे, फिर देश की पुलिस आपको नहीं बचाएगी, फिर हिंदू पुलिस भी होगी, हिंदू आर्मी भी होगी, हिंदू ब्यूरोक्रेट भी होगा, एसएसपी भी होगा और डीएम भी होगा। लिहाजा सलमान खुर्शीद साहब ने अपने कैरियर के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, कांग्रेस की हालत खराब होने की वजह से जो कांग्रेस में इंटरनल रिफ्ट है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये तमाम बयान अगर आप दे रहे हैं तो आपका सियासी मकसद हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान आपको, हिंदुस्तान का हिंदू आपको हिंदू मुसलमान मानता है, इसलिए कोई भी ऐसा बयान आप न दें कि हिंदुस्तान का आम हिंदू भी आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को, जिनके दादा जिनके नाना प्रेसिडेंट, जिसके बाप इस देश के गवर्नर और सफीर सफारत में रहे हो, इतने सारे उनको वजारते रही हो, उसके बावजूद भी अगर आपकी ये भाषा है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान और अजमल खान से हम वो तवक्को नहीं कर सकते कि इनको हम समझा सकते हैं। वो तो पैदाइशी जाहिल हैं, वो पैदाइशी इश्तियालंगे तकरीर देते हैं, वो पैदाइशी दंगा कराने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बात मानता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया है और उसको जो बहस छिड़ी है वो बहस बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये 2021 का भारत है, जिस हिंदू को आज ये पता चल गया है कि उसे किस तरीके से इस मुल्क की तारीख गलत पढ़ाई जा रही है, गलत चीजें बताई जा रही हैं, गलत नरेटिव बताए जा रहे हैं, इसलिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस सोशल मीडिया ने लोगों को बड़ा अवेयर किया है, दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, ये सबको पता है। लिहाजा आज ऐसा नहीं होगा कि आप कोई हल्की बात कहेंगे और निकल जाएंगे, लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, और रिएक्ट करेंगे तो जो भी जिसकी समझ में आएगा, चाहे वो आपका कहीं मकान हो उसको आग लगा देंगे। ये दिन पूरा वो दिन के लिए मैं खौफ खाता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं चलते फिरते लोगों को आग न लगा दी जाए, क्योंकि ये स्थिति आप उधर ले जा रहे हैं। लिहाजा सलमान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह हो, इनको अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, ये सेकें। इसलिए सरकारें आएंगी जाएंगी, मोदी से पहले भी लोग थे, मोदी के बाद भी लोग होंगे, मोदी कोई आखिरी नहीं है, लेकिन सरकारों के जाने के बाद समाज नहीं बदलता है। अगर समाज बदल गया है तो उससे खौफ खाइए, उससे डरिए कि अगर रिश्ता टूट गया पड़ोस में तो पुलिस नहीं बचाने आएगी, आपका काम तमाम हो जाएगा।
आज जो भी कुछ है, जितने भी हालात खराब हैं, हिंदुस्तान का अकलियत मुसलमान ये नहीं कह सकता कि उसके पड़ोसी ने उसके घर में आग लगा दी। वो ये नहीं कह सकता, पड़ोसी ही सबसे पहले आता है। लिहाजा गिनती 25 करोड़ हो, आप रोज गाली दें, रोज हमें भड़काएं, रोज हमारे खिलाफ कुछ बोले और मोदी का नाम लेके आप हिंदुत्व को गाली दें, मोदी को गाली देने की छूट है क्योंकि डेमोक्रेसी है। मोदी का आपको विरोध करने की पूरी आजादी है क्योंकि वो हुकूमत में है। मोदी के लोग, मोदी की सरकार, मोदी की पार्टी उसका जवाब देगी। आम आदमी जवाब जितना दे सकता है देगा, लेकिन आम आदमी को, समाज में रहने वाले हिंदू को अगर आपने गाली दी तो आपको लोग घर तक